वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं आपके साथ महाराष्ट्र में जो स्कूल में पढ़ाई जाने वाली 12वीं कक्षा की किताब है हिंदी की, जिसका नाम है युवा भारती, उसमें श्री गुरु नानक देव जी के 5 श्लोक हैं। मैं उन्हें आपको पढ़कर सुनाऊंगा और साथ में उसके अर्थ भी समझाऊंगा। मगर सबसे पहले संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12वीं कक्षा में जो गुरबाणी के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियो जो यूट्यूब पर मैंने देखी हुई हैं, उनके ऊपर बनी हुई हैं, लेकिन मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि उन वीडियोस में बहुत हद तक उनके अर्थ तो सही हैं, मगर उनका जो गुरबाणी का उच्चारण है वो बहुत ही गलत है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वह गलत बोल रहे हैं, वह अपनी जगह सही हैं, जैसे हिंदी लिखी है वह वैसे ही पढ़ रहे हैं। मगर संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब गुरबाणी को पढ़ते हैं तो कुछ मात्राएं ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जाता, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। जैसे ये पहला श्लोक इस किताब में जो गुरु नानक जी का लिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है, नानक गुरु न चेतनी मन आपने सुचेत। तो यहाँ पर जो मन है, मन को छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो इसे ज्यादातर जो हिंदी पढ़ते हैं वो इसको मनी बोलते हैं, तो इसको मनी नहीं बोलना है, क्योंकि जब भी गुरबाणी के किसी भी शब्द के अंत में जब छोटी की मात्रा होती है तो उसे ज्यादातर बोला नहीं जाता, उसका उच्चारण नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो शब्द है मन, इसे मन बोलना है, इसमें छोटी की मात्रा है इसलिए इसे मनी नहीं बोलना, केवल मन बोलना है। तो आप सोच रहे होंगे कि छोटी ई की मात्रा फिर क्यों लगाई गई है। इसको गुरु साहब ने इसलिए लगाया है क्योंकि इसका जो अर्थ है वो आपको समझ आ सके, यानी इसका जो प्रयोग है वो व्याकरण में होता है, अर्थ समझने के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होती है। ये एक पहला नियम है। एक और नियम होता है वो मैं आगे वाली जो श्लोक है उसमें बताऊंगा। इसके साथ ही संगत जी, जैसे कि अगली पंक्ति में आपको दिखा दूं, उसमें जो शब्द है इसके भी आखिर में छोटी की मात्रा है, तो इसे आपने अंदरी नहीं बोलना है, अंदरी खेत, इसको अंदर बोलना है, क्योंकि जो छोटी की मात्रा जो आखिरी शब्द में है, जो आखिरी अक्षर है, जो अल्फाबेट है, उसमें छोटी की मात्रा लगी है, इसलिए इसको नहीं बोलना है, इसे अंदर बोलना है, ना कि अंदरी। सो छुटे तिल बुआड़ ज्यो सुंजे अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहो नानक सो नाह, फलिए हैं फुलिए हैं, इसे भी फलिए ही फुलिए ही नहीं बोलना, बल्कि जैसे कि मैं आपको बताया कि छोटे की मात्रा है, इसे फलिए हैं फुलिए हैं ऐसे बोलना है, फलिए हैं फुलिए हैं बपुड़े पी तन विच स्वाह, विच ही नहीं बोलना, विच बोलना है। तो आइए संगत जी, जो श्लोक हमने अभी पढ़ा है इसकी अर्थ हम मिलकर समझते हैं। महल्ला पहला, नानक गुरु न चेतनी मन आपने सुचेत। गुरु से फरमाते कि हे नानक, जो मनुष्य गुरु को याद नहीं करता, यानी जो गुरु के हुक्म से बाहर है, जो खुद को बहुत ही सुचेत समझता है, यानी जो यह समझता है कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, उसके बारे में गुरु साहब अगली पंक्ति में समझाते हैं कि छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुंजे अंदर खेत। खेत जो आपको मालूम है खेत किसे कहते हैं, और तिल जो होता है, जो आपने सभी ने देखा होगा ऐसा होता है तिल, और तिल के जैसा एक और पौधा होता है बुआड़। सो तिल और बुआड़ की जो उदाहरण देकर गुरु साहब हमें समझाते हैं कि वह चलाक इंसान जो खुद को बहुत बड़ा अकलमंद समझता है, जो लोगों को अपने फरेब से अपने छल से छलते हैं, जो औरों को दुखी करते हैं, वह ऐसे हैं जैसे बुआड़ का पौधा। संगत जी, जैसे कि आपको बताया कि इस पंक्ति में दो पौधों का जिक्र है, पहला है तिल का पौधा, दूसरा है तिल के जैसा दिखने वाला बुआड़ का पौधा। गुरु से फरमाते हैं कि गुरु मानो तिल जैसा है, और दूसरा जो चलाक और अहंकारी इंसान है या फिर झूठा साधु संत है, जो झूठा गुरु है, वो बुआड़ के पौधे के जैसा है। दोनों पौधे दिखने में एक जैसे हैं, परंतु जो तिल का पौधा होता है, जब उसमें फल आता है, जब उसे खोला जाता है, तो उसमें से तिल निकलता है, यानी उसमें से फल निकलता है। मगर तिल के जैसा दिखने वाला बुआड़ का पौधा
दिखने में वो उसके तिल के जैसा ही, मगर जब उसे खोला जाता है तब उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता, वो अंदर से खाली होता है, उसमें सिवाय हवा और राह के कुछ नहीं होता, वह केवल एक धोखा होता है। उसके आगे वाली पंक्ति, खेते अंदर छुट्टिया कहो नानक सौ ना है। यहाँ जो सौ ना है, सौ का अर्थ है जो 100, छुट्टिया यानी जो छुटा हुआ होता है, जिसे छोड़ दिया जाता है। गुरु से फरमाते हैं कि तिलों को तो लोग घर ले जाते हैं, लेकिन बुआड़ के पौधे को खेत में ही छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई फल नहीं होता, उनका कोई मालिक नहीं होता। इसी तरह जो सच्चा गुरु होता है वो तिल के पौधे के जैसा होता है। वो गुरु तो रब से जुड़ा होता है और गुरु से जुड़े लोग भी रब से जुड़े हुए होते हैं, मगर जो झूठे संत होते हैं, जो बाबा होते हैं, जो कपटी और अहंकारी इंसान होते हैं, वह बुआर के पौधे के जैसे होते हैं। वो यहीं पड़े रह जाते हैं, उनका कोई खसम अर्थात कोई मालिक नहीं होता। वह बाहर से खुश मगर अंदर से वह मरे हुए होते हैं, उनके अंदर कोई गुण नहीं होता, वो अंदर से केवल खाली होते। आखिरी पंक्ति है, उसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि फलिए है बपुड़े पी तन विच स्वाह सो बपुड़े यानी बेचारे। गुरु साहब फरमाते हैं कि बुआड़ के पौधे दिखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे उसे फल लगा हुआ हो, वह फूलता भी है, फल जैसा दिखता भी है, मगर जब उसे खोलकर देखा जाता है तो उसके अंदर फल होता ही नहीं है, वह अंदर से खाली होता है, केवल राख से भरा हुआ होता है। ऐसे ही हैं चतुर अज्ञानी और अहंकारी मनुष्य, जो बाहर से फल रहा है, फूल रहा है, अर्थात जगत में जय जयकार हो रही है, उसे लगता है कि मुझे सब पता है, मगर जब उसके अंदर झांक कर देखा जाता है तो अंदर सिवाय गंदगी के कुछ भी नजर नहीं आता, उसमें सिवाय राह के कुछ भी नहीं होता। जैसे कि संगत जी आपने देखा होगा कि जुल्मी राजा भी फूलता है, उसका राज्य भी फैलता है, मगर अंदर से खाली होने की वजह से वह उस आनंद को हासिल नहीं कर पाता जो किसी भक्त के हृदय में होता है। तो ये था गुरु साहब जी का एक श्लोक, इसके बाद और भी श्लोक हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इंसान का पैसे वाला होना या गरीब होना, नाम वाला होना या बेनाम होना, ये सब मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर वो फल है कि नहीं, आपके अंदर वो गुण है कि नहीं, अर्थात जो रब तुम में मौजूद है क्या आपने उसे पाया है या नहीं, क्या आप उससे मिले हैं या नहीं, उससे आप जुड़े हैं या नहीं। अगर आप रब से जुड़े हैं तो आप शहनशाहों की शहनशाह है, आप तिल के पौधे के समान है। रब को पा लेने से आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं, आप उस रब की अंश कहलवाने के लायक हो जाते हैं। सो आपने एक अच्छे पौधे की तरह फलना है, फूलना है, ना कि बेकार का पौधा बनना है। यानी हमें गुरु से जुड़कर अपने अंदर अच्छे अच्छे गुण भरने हैं, तायो हम अपने अंदर के रब को, खुद को पहचान सके, अपने आप से मिल सके। धन्यवाद। सो इसके बाद जो बाकी के 4 श्लोक हैं, वह मैं आगे वाली वीडियो में शेयर करूंगा। आप सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।